खबर आपको दें। लाहौर से वेस्टइंडीज ने तारीखी टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मिसबाह हक की वतन वापसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों ने मिसबाह हक का इस्तकबाल किया। तो अहम खबर है, लाहौर वेस्टइंडीज से फतह हासिल करने के बाद मिसबाह हक वतन वापस पहुंच गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों ने मिसबाह हक का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज इदरीस मलिक से। जी इदरीस मलिक, शानदार इस्तकबाल किया गया, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल हिफ्सा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान मुतवक्के तो यही था कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद जो है वो खुद आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अलबत्ता डायरेक्टर जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस है कर्नल आजम, उनके साथ उनके मैनेजर कर्नल खालिद, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हारून रशीद जिनको हाल ही में लगाया गया वो, और मैनेजर क्रिकेट इंटरनेशनल उस्मान वाला जो है वो यहाँ मौजूद थे। दीगर स्टाफ भी मौजूद था जिन्होंने मिसबाह हक को रिसीव किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, और मिसबाह हक का इस्तकबाल करने के बाद यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने भी उनके साथ सेल्फियां बनवाई, और जो मजबूत तौर पे उसके बाद मिसबाह हक से हमारी बातचीत हुई है। मिसबाह हक से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था कि मिसबाह हक क्रिकेट में शानदार खिदमत आपकी, वेस्टइंडीज में 60 साल बाद पाकिस्तान के हिस्सा में कामयाबी आई और उस कामयाबी का सेहरा भी आपके साथ ही सजा, तो आगे का क्या प्लान है? तो मिसबाह हक का ये कहना था कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए कुछ दिन आराम करूंगा, काफी सारे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं, उनमें से किसी न किसी ऑप्शन को अडॉप्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया इदरीस मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।